नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद अयोध्या, मथुरा और काशी में सतर्कता जारी। उत्तर प्रदेश में किया गया बजट पेश, योगी सरकार का किसानों की कर्ज माफी पर फोकस। और ड्राइवर सलीम के हौसले को सलाम, जान पर खेलकर बचाई 50 लोगों की जिंदगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मुंबई की खबरों में। आइए देखते हैं मुंबई में क्या कुछ हो रहा है खास। अमरनाथ यात्रियों पे जिस तरह से आतंकी हमला किया गया, उसकी निंदा न सिर्फ राजनेता बल्कि पूरा देश कर रहा है। हर किसी की आंखों में आंसू और साथ ही साथ आतंक के खिलाफ क्रोध नजर आ रहा है। वहीं मुंबई में मौजूद मुस्लिम सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज मसूलदार ने भी इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। मैं मुस्लिम सेवा संघ की ओर से अमरनाथ में हुए हत्याओं का पुरजोर तरीके से निषेध करता हूं। जो 7 हत्याएं हुई हैं अमरनाथ यात्रा के दौरान आने वाली बस पर, जिसमें सिक्योरिटी का भी मसला बड़े पैमाने पे गृह मंत्रालय ने उठाया और बताया गया कि उसमें मुस्लिम समाज यात्रा में, अमरनाथ की यात्रा में आने और जाने वाले लोगों को जो सेवाएं देता है, उसकी हर वक्त प्रशंसा हुई है सरकार की ओर से, यात्रियों की ओर से। ये पहली बार ऐसा हुआ है इस साल में, पिछले कई सालों में भी ऐसा नहीं हुआ था। ये पहली बार इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसका हम लोग इंसानियत को कत्ल करने का इन्होंने काम किया है, इसका हम लोग निषेध करते हैं मुस्लिम सेवा संघ के सारे परिवार की ओर से। और हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम सेवा संघ के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी सबकी तरफ से मैं इसका निषेध करता हूँ। और रही बात मुस्लिम समाज में इस चीज़ का बड़ा अवेयरनेस है अमरनाथ यात्रा को लेके, अमरनाथ यात्रा को पिछले कई सालों से शाइन बोर्ड होने दो या मुस्लिम सेवा संघ की ओर से हमेशा प्रशंसा की है हम उनकी। पिछले साल में भी हम लोगों ने गवर्नमेंट को एक पत्र लिखकर बताया था कि अमरनाथ यात्रा में जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा लोकल का मुस्लिम बड़े पैमाने पे वहाँ पे करता है, ये प्रशंसनीय है। और गवर्नमेंट भी और वहाँ की सरकारें भी और यात्रियों ने भी उसकी ये की है। और इंसानियत के खिलाफ ये बड़ा हमला है, हम इसका निषेध करते हैं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आतंकवादी ये पाकिस्तान से बार बार आते हैं और हमला करते हैं, हिंदुस्तान को इस बार कड़े से कड़े कदम उठा के इसका निषेध करना चाहिए, उन्हें कड़ा जवाब देना चाहिए। ऐसा मुस्लिम सेवा संघ की ओर से मैं अपनी तरफ से ये नमूद करता हूँ। हम लोग इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, राजनाथ सिंह की भी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने अपने पहले बयान में ही बताया कि हिंदुस्तानी मुसलमान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, वो काफ़ी सेक्युलर समाज है और अमरनाथ यात्रियों की हमेशा मदद करते आया है। सरकार इनको मुआवजे की भी बात की है, ये भी उनको मुआवजा मिले और इनके जितनी भी हत्याएं हुई हैं उनके परिवार को अमन और शांति का संदेश हम देते हैं और सब्र करने की उम्मीद उनसे करते हैं। इसका कहीं भी कोई भी गलत रिएक्शन नहीं होगा, इसकी पुरजोर तैयारी सरकार अपनी ओर से करे, ये भी हम लोग अपनी तरफ से निवेदन करते हैं।